हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में हम आईपी कैमरे का बेसिक इंस्टॉलेशन बताएंगे कि अगर आप कभी भी आईपी कैमरे नहीं लगाए हैं तो आप कैसे आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर हमें आईपी कैमरे लगाने हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज है कि आपके पास आईपी कैमरे होने चाहिए, एनालॉग कैमरे नहीं, आईपी कैमरे होने चाहिए। एक आपके पास पीओई स्विच होने चाहिए, आपके पास एनवीआर होने चाहिए, आपके पास कैट6 केबल होने चाहिए, आपके पास RJ45 कनेक्टर्स होने चाहिए। ये सारी चीजों से आप आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि आईपी का कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे चीज है कि आपको क्या करना होता है। सपोज करिए आपके पास ये कैमरे हैं, इस कैमरे में लैंड पोर्ट होता है। आपको एक लैंड पोर्ट जो RJ45 से लगाते हैं यहां पे लगाना है, और आपके पास एक मिलता है पीओई स्विच। पीओई स्विच 4 पोर्ट का ये है, 8 पोर्ट का आता है, 16 आता है, 24 पोर्ट का भी आता है। आपको क्या करना है, जो भी कैमरे का आप वायरिंग करेंगे सारे इस पोर्ट में आप लगा देंगे। ये जो पोर्ट्स होते हैं ये डेटा भी ट्रांसमिट करता है और पावर भी देता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, हर कैमरे का तार यहां पे लगा देना है। और आपको मिलता है 2 अपलिंक। अपलिंक का मतलब होता है इसमें आपका पावर नहीं जाता है, ओनली डेटा को ये ट्रांसफर करता है। तो आपको जितने भी कैमरे आप इंस्टॉलेशन किए हैं, मान लीजिए आपने 4 कैमरे आईपी लगाए हुए हैं, तो चारों का लैन केबल आपको ये 4 पोर्ट में लाके लगा देना है। उसके बाद से आपको 2 अपलिंक मिलता है। अपलिंक से आप एक लैन केबल लगाएंगे, आप एनवीआर में लगा देंगे, आप एनवीआर में लगा देंगे। एक पोर्ट जो आपका अवेलेबल है, अगर आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, आपके पास 4G राउटर है या फिर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उसका लैन केबल दूसरे अपलिंक में लगा देंगे। तो आपका जो एनवीआर है वो ऑनलाइन भी हो जाएगा, आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और आपका जो डिस्प्ले है वो सारा चीजें आ जाएगा। तो काफी सिंपल है, जितने कैमरे लगाने हैं उस कैमरे से लैन केबल लगाना है, पीओई स्विच पे लगा देना है, और पीओई स्विच के अपलिंक से एक एनवीआर में लगा देना है। उसके बाद से आपका कैमरा ऑन हो गया। काफी इजी है, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यूज करते हैं, उसका डायग्राम कैसे यूज किया जाता है उसका भी आपके सामने मैं डिस्प्ले दे देता हूं, किसका डायग्राम कैसे होता है। आप देख करके समझ सकते हैं कि आईपी कैमरे कैसे लगाए जाते हैं। तो बेसिक इंस्टॉलेशन हमने आपको बताया, और भी बहुत है, पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। और भी मैं नए अपडेट, आपके जो भी अपडेशन होगा, 2 पीओई को कैसे जोड़ना है, 5 पीओई को कैसे जोड़ना है, वो सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।